मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। आजमगढ़ दौरे के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां कई जनपदों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आए। वहीं सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज के जनता दरबार में क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ समस्याएं सुनी गई सीएम के द्वारा जनता की? दौरे के दौरान पहुंचे हुए थे और ऐसे में आज जनता दरबार लगाया। जनता दर्शन के कार्यक्रम में करीब 300 से 400 लोग की संख्या में लोग हुए थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा, उसके लिए एप्लीकेशन दिया है, जिसको सुनने के बाद देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में बहुत से बीमार और बच्चे भी थे जिनको उसने चिंता के लिए चाहिए था या स्वास्थ्य के लिए चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए, सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए। थाना स्तर पे, जमीनी स्तर पे अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनमें थानों में सुनवाई नहीं हो रही थी या थानेदार मनमानी करते। ऐसा सहजनवा का भी मामला आया जिसमें मामलों को बदल दिया जा रहा था, बार बार उसको फहरिस्त दी जा रही थी। कभी बच्चे का नाम, लड़के का नाम हटाया गया, कभी लड़की का नाम हटाया गया, पिता का नाम लगाया गया। ऐसे में किसी फसाने की पीड़ित से और एक पक्ष से कोशिश की जा रही थी, तो सीएम योगी ने इसके सख्त रूप अपनाते हुए जो है अधिकारियों को पत्थर लगाई है कि थानेदारों के खिलाफ जो है किसी कार्रवाई की जाए और किसी भी तरीके से इस तरह की कोई समस्या ना आए कि जनता को परेशान होना पड़े और उनको पूरी तरह से सुविधा महसूस होनी चाहिए और पूरी तरह सुरक्षित महसूस होनी चाहिए कि कोई भी उनके साथ बातचीत करता है किसी के साथ तो उसके खिलाफ जो है एक दृष्टि से कार्य करते हुए पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का हिमांशु? बिल्कुल, पिछला बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद चारों विद्यालय के प्रधानाचार्यों से और कुलपति से मिल करके मुलाकात किया, उनसे बातचीत किया है और उनसे जायजा लिया है कि किस तरह से कार्य प्रगति पे है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हिमांशु। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेजी से होता जा रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अग्निपथ योजना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार की इस योजना की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन से की है। मायावती ने आरोप लगाया है कि सरकार यह योजना अचानक थोप रही है। उन्होंने सलाह दी है कि सरकार अहंकारी रवैये से बचे। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं के मन में वर्तमान के प्रति हताशा, निराशा का भाव देश के लिए खतरनाक है। भाजपा का हर तरफ विरोध होता दिखाई दे रहा है। भाजपा ने जनाधार खो दिया है। वही कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाए और युवाओं को विश्वास में लाया जाए और बात किया जाए। संवाददाता सागर थापा इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अभी तक युवाओं का प्रदर्शन हो रहा था, नेताओं का भी प्रदर्शन हो रहा है, इस बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्या कुछ ट्वीट सामने आए हैं अन्य नेताओं की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से? देखिए, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था कि वो देश के युवा जो है वो बरगलाए जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें हताशा और निराशा देखनी पड़ी है। तो वही इसी पे एक ट्वीट किया था मायावती ने। मायावती को ही साफ साफ कहना था कि जो सरकार अपनी नीतियाँ ला रही है उनमें जो युवाओं हैं, युवाओं से हक छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाया जा रहा है पूरी तरह से। तो ये मुख्य मुद्दा बन के आ रहा है विपक्षी पार्टियों का कि साफ साफ उनका पूरी तरह से विरोध है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी आज जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। साथ ही भारत बंद का भी ऐलान था जिसका लखनऊ में कोई भी असर, खासा असर देखने को नहीं मिला। तो वहीं प्रियंका गांधी का भी उसमें बयान आया कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार युवाओं को बरगला रही है और जो मुख्य मुद्दे हैं उससे दूर रख रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सागर।
कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को गाजियाबाद पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। ईडी में राहुल गांधी की पेशी के विरोध में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था। प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने जाना था, उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं राहुल गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार को गलत साबित करना चाहती है। दिल्ली में जंतर मंतर में सत्याग्रह हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो मैं, हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहां जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। सर, अग्निपथ योजना को किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं इसमें? अग्निपथ टोटली गलत योजना है, बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तरफ जहां कांग्रेस सत्याग्रह करना चाहती है और लगातार पुलिस द्वारा उनके बड़े नेताओं को या तो हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो कोशिश की जाती है कि मामला गरमाए नहीं, और साथ ही साथ सरकार की कोशिश रहती है कि धार्मिक उन्माद ना बढ़ पाए, साथ ही साथ जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी रहे। तो यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे वो लगातार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, कई गाड़ियों को उन्होंने रोका भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखते हुए कहा जा रहा था कि अब इस प्रदर्शन को रोकना है, क्योंकि अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए आपको अनुमति मिलती है। जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह था और बड़े बड़े नेता शामिल हुए, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, चाहे जनरल नरेंद्र की बात करें, चाहे गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, बड़े बड़े नेता से शामिल हुए। पर साथ ही जिस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में जाकर गाड़ियां रोक रहे हैं, ट्रेन के ट्रैक पर लेट रहे हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन है ये गलत है, क्योंकि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर या गाड़ी रोककर अपनी मांग को पूरा नहीं कर सकते। विरोध प्रदर्शन आपका अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है आपका, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। पर सत्याग्रह के नाम से और जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके चलते ये कोशिश की जा रही थी कि जो बड़े नेता है उनको रोका जाए, जिससे कि जो आंदोलन है उसको और उग्र रूप ना दिया जा सके। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन को उनके गाजियाबाद जाने जो घर है वहाँ पर आपको हाउस अरेस्ट किया गया। तो जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है कांग्रेस नेता, उनका क्या कुछ कहना है गौरव? हाउस अरेस्ट होने के बाद उनका कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं, हिंसा वाले कोई भी ऐसे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ बातें उनकी तरफ से निकल करके सामने आई है? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने हाउस अरेस्ट पर इस बात कही कि अग्निपथ योजना सरकार जबरदस्ती थोप रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके लिए कांग्रेस लगातार मैदान में है, कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप दिल्ली में सत्ता जनता मंत्र पर सत्याग्रह प्रदर्शन करके कांग्रेस सरकार की नींद जगाने वाली सरकार, जिस तरह से एक प्रकार से तानाशाही रवैया पाया है, इसको खत्म करना होगा। और आप नेताओं की आवाज़ को कब तक दबा पाएंगे? पर कहीं ना कहीं जंतर मंतर में सत्याग्रह हो रहा है और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता गाड़ियाँ रोक रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत साबित होती है। और कहा जा रहा है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है उसमें पुलिस कोई बात नहीं करती है, अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए सचेत रहती है और कार्रवाई करती है। इसके चलते अगर और आंदोलन और उग्र ना हो, इसके चलते जो आचार्य प्रमोद कृष्णन में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको गाजियाबाद स्थित उनके घर पर अरेस्ट किया गया था। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। इस दौरान उग्र प्रदर्शन की संभावना के बीच बिहार से लेकर यूपी तक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि लखनऊ, वाराणसी, फरीदाबाद, मथुरा में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन यूपी पुलिस पूरी तरह चौकन्नी नजर आई। इस बीच प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद रेलवे पुलिस के साथ आरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। बलिया में भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।
अलग अलग जगहों से देख सकते हैं, अलीगढ़, काशी, चंदौली और मथुरा पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जहां एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का भारी विरोध प्रदर्शन झेलने को मिल रहा है, युवा इस योजना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर ट्रेनें जला दी जा रही है तो कहीं पर ट्रेनें रोक दी जा रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस मामले में अगर बात किया जाए तो दिल्ली में सत्याग्रह आंदोलन भी कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा, हालांकि कांग्रेस के जो अन्य कार्यकर्ता है उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको अलीगढ़, काशी, चंदौली और मथुरा को दिखा रहे हैं, मथुरा की दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह रेलवे स्टेशनों पर भी जीआरपी पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है, किस स्टेशन पर भी किसी तरह की प्रदर्शन जैसी हालात ना बने। संवाददाता उपेंद्र अस्थाना इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, किस तरह से पुलिस मुस्तैद है कि किसी तरह का प्रदर्शन ना किया जाए युवाओं द्वारा? जो स्टेशन बना हुआ है, बस अड्डा बना हुआ है और उसके बाद जो है कानपुर में नवस्था चौराहा क्षेत्र पड़ता है, कल वहां पर लेकर के इस अग्निपथ को हिंसा को लेकर के जो जो वीडियो से मोबाइल फोन पे जो मैसेज वायरल हो रहे थे उसको लेकर जो कानपुर कमिश्नर जो हैं और जो कानपुर साउथ जो एसपी हैं उनको लेकर के जो है फ्लैग मार्च किया गया था नवस्था में लेकर के। उपेंद्र भाई, अगर बात किया जाए तो पहले भी एक दंगा कानपुर में हुआ था जिसके चलते पूरे प्रदेश में दंगा फैला था, तो बाकियों के दंगाइयों की पहचान किस तरह से की जा रही है, उन पर पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है? जी आपको बता दें जो दंगियों की दंगाइयों की पहचान जो है वो पुलिस लगातार कार्य कर रही है और दबिश पे लगातार जारी है, क्योंकि जो पोस्टर वायरल हुए थे वो पोस्टर जो हैं वो आसपास के नहीं, जो जिले बांगनमाऊ, उन्नाव और आसपास के क्षेत्र के लोग जो थे वो सब लोग थे, उसमें जो है पुलिस जो है लगातार दबिश जारी कर रखी है। और उसके बाद जो है जो सीडीआर है उसमें कुछ सफेद पोश नेताओं के नाम आ रहे थे, कुछ पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे थे, उस पर जो है लगातार पुलिस अंकुश कर रही है। जो उसमें आरोपी पाए गए उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है उपेंद्र? जी जो आरोपी अभी तक भेजे गए सबको उनको रसपा की धाराओं में जो भेजा गया जेल, उसके बाद जो है जफर आसमी के जो करीबी हैं और जो बिल्डर्स थे उन बिल्डर्स पर लगातार कार्रवाई है, उस पर बुलडोजर जो है लगातार पुलिस बुलडोजर चला रही है। पर आप देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम जो है बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई थी कि केडीए और जो है नगर निगम जो है बुलडोजर नहीं चलाएगी। उपेंद्र, जो है एक तरफ कानपुर में पहले ही दंगा हो चुका है, दोबारा अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो भी प्रदर्शन कर, कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने नजर आ रही है? जी अगर देखा जाए तो चुनौती तो बहुत बड़ी है और युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो अग्निपथ के तहत जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है उसमें जो आर्मी मैन होते हैं उनको साल में जो 1 साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है और 4 साल में अगर देखा तो साल भर की छुट्टी है और उसके बाद जो 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद केवल 2.5 साल की जॉब करेंगे वो लोग, और उसको इसलिए कर रहे हैं उसमें ना कुछ उनको एक्स आर्मी का दर्जा मिल रहा है, ना मेडिकल सुविधा मिल रही है, ना कैंटीन सुविधा मिल रही है उनको, तो कहीं ना कहीं देखा है तो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। प्रदर्शन और हिंसा, जगह जगह पर प्रदर्शन से पुलिस के सामने चुनौती थी, प्रशासन के सामने चुनौती थी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना आने के बाद से युवाओं का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी उग्र प्रदर्शन युवाओं द्वारा देखने को मिला, कई जगह पर ट्रेनें भी फूकी गई है, यातायात बाधित हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने एक ये भी कड़ी चुनौती है प्रशासन को रोकने, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। संवाददाता नितेश माहेश्वरी अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि वहां पर जो युवा है, जो प्रदर्शनकारी है, उनको रोका जाए प्रदर्शन करने से? मैं आपको बता दूं कि अगर अलीगढ़ प्रशासन की बात करें, प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है और लगातार प्रशासन की तरफ से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है जिससे जो युवा है वो उग्र ना हो और उग्र ना हो, इस तरीके का माहौल ना बिगाड़े, इस तरीके प्रशासन की बहुत नजर रखी जा रही है।
कर रहे थे प्रदर्शनकारियों में उनका नाम है, उनपे किस तरह से अब आगे कार्यवाही की जाएगी? कार्रवाई की अगर बात करें, प्रशासन लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है और सीसीटीवी के माध्यम से उनके फोटो निकाले जा रहे हैं, फोटो के माध्यम से उनको पकड़ा जा रहा है और अभी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ लोगों की तलाश जारी है। लगातार पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है और आगे कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद नीतीश। दिनभर की बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।